हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी का भी एक टॉपिक है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जियोग्राफी का भी एक पार्ट है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जो 15 अगस्त के दिन एक गठन की जो घोषणा की गई है, तो उस नाम भौगोलिक परिचय, क्षेत्रीय परिचय, उसके अंतर्गत शामिल तहसील, विकासखंड, मतलब एक कंप्लीट उस जिले का हम एक परिचय देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो मैंने आपको लास्ट करंट अफेयर के वीडियो में मैंने आप लोगों से आपका एक सजेशन, एक राय मांगा था, उसके लिए मैंने एक पोल क्रिएट किया था कि जो छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है वो वीकली बेसिस पे किया जाए कि मंथली बेसिस पे किया जाए, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा समय निकाल करके उस ओपिनियन पोल पे जाकर के अपना एक ऑप्शन चुनिए। बहुत कम लोगों ने उसमें जाकर के अपना ऑप्शन चुना, लेकिन मैंने कहा था कि जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी रहेगी मैं उस आधार पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक, तो जो आपके टेलीग्राम चैनल के पोल, यूट्यूब चैनल के पोल और साथ ही साथ फेसबुक चैनल के पोल में जो मेजॉरिटी सामने आई है वो वीकली बेसिस पर है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कमेंट करने से कोई मतलब नहीं है, पहले जाकर के आप उस पोल पर जाकर के आप वोट कीजिए। मैक्सिमम जो वोट हुए वो टेलीग्राम चैनल पर हुए, उसके बाद आपके यूट्यूब चैनल पर हुए, उसके बाद सबसे कम आपके फेसबुक पेज पर वोट हुए हैं। तो जो मेजॉरिटी जो निकल करके आई है वो वीकली बेसिस पर है। तो आपका ये लास्ट इस मंथ का आपका जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एक मंथली वाला आएगा, उसके बाद से जो कंटिन्यू करेंगे हम वीकली बेसिस इस पे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ का 28वां जिला। आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ में टोटल 27 जिले हैं। सबसे ज़्यादा जिलों वाला संभाग है आपका बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कुल 7 जिले हैं। उसके अलावा जो बाकी 5 संभाग है आपके दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, इन सभी में आपके 5-5 जिले शामिल हैं। ठीक, तो अब ये जो है ये छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बनने वाला है। तो 28वां जिला, अभी देखिए इसके जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है, ये जिला अभी तक बना नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 15 अगस्त 2019 को इस गोरेला पेंड्रा मरवाही को एक नए जिले बनाए जाने की घोषणा की है। ठीक, घोषणा की है, गठन अभी हुआ नहीं है, अभी अधिसूचना जारी की जाएगी, इसका एक सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा, उसके बाद इसे एक जिले के रूप में इसकी एक आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी, तब जाकर के यह एक जिले का पूरा एक पूर्ण जिले का इसका निर्माण होगा। अभी केवल घोषणा की गई है। अगर यह आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही अगर एक जिला बनता है तो बस्तर संभाग के बाद सर्वाधिक जिला वाला दूसरे नंबर पर आपका होगा बिलासपुर संभाग। बस्तर संभाग में वर्तमान में 7 जिले हैं। अगर यह जिला बन जाता है आपका गोरेला पेंड्रा और मरवाही, तो बिलासपुर संभाग में आपके कुल 6 जिले हो जाएंगे। 7 जिले बस्तर संभाग में, 6 जिले बिलासपुर संभाग में, और बाकी बचे हुए जो आपके संभाग है रायपुर, दुर्ग और आपके सरगुजा संभाग, इसमें बाकी आपके 5-5 जिले रहेंगे। बिलासपुर के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है अभी वर्तमान में? मुंगेली, बिलासपुर जिला, कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला, रायगढ़ जिला, और अब अगर यह बन जाता है तो यह बिलासपुर का आपका 6वां जिला होगा, गोरेला पेंड्रा मरवाही। इसी सीक्वेंस में नाम याद रखना है, आगे पीछे मत कीजिएगा, ऐसे मत कर देना कि आपका पेंड्रा गोरेला मरवाही या मरवाही गोरेला पेंड्रा, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। आपको आगे बताऊंगा कारण क्या है। गोरेला पेंड्रा मरवाही इस नए जिले का नाम है। प्रदेश का 28वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है 15 अगस्त 2019 को। ये जो आपका नया जिला बनने वाला है, ये इस जिले में आपके कुल 3 तहसील है। इस गोरेला पेंड्रा मरवाही में आपके कुल 3 तहसील है। ठीक, 3 तहसील कौन कौन से है? ये जो आपका इस जिले का नाम है, ये जो जिले का नाम है यही इसके 3 तहसील है, यानी इसके तहसीलों के नाम को ही उठा करके इस जिले का नाम रख दिया गया है। कौन कौन से तहसील है? गोरेला, पेंड्रा और मरवाही, ये 3 तहसील है आपके इस नए जिले के। इसके अलावा विकासखंड भी 3 है, विकासखंड के नाम भी सेम है, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इस नए जिले में 3 विकासखंड है और आपके 3 तहसील है, नाम है आपका गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक, अब देखिए राज्य सीमा स्पर्श मतलब किस राज्य, मतलब छत्तीसगढ़ के जितने भी पड़ोसी राज्य है उन पड़ोसी राज्यों में किस पड़ोसी राज्य की सीमा इस नए जिले को स्पर्श करती है? देखिए मैंने यहाँ पर एक मैप बनाया है, उस मैप को समझिएगा, अभी इसको हम थोड़ा बाद में कंटिन्यू करते हैं, पहले इस मैप को समझ लीजिए। देखिए
बिलासपुर के अंतर्गत कुल आपके 8 तहसील आ रहे थे घोषणा से पहले तक, या घोषणा से पहले तक क्या, अभी वर्तमान में भी, अभी गठन हुआ नहीं है, वर्तमान में बिलासपुर में आपके 8 तहसील हैं। 8 तहसील कौन कौन से हैं? एक है आपका बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर, मस्तूरी, कोटा, गोरेला, पेंड्रा और मरवाही, ठीक, 5, 3, 8, ये आपके 8 तहसील मौजूद है वर्तमान में आपके बिलासपुर संभाग में। तो इन 8 तहसील में से ये जो ऊपर के जो 3 तहसील हैं, ऊपर के 3 तहसील गोरेला, पेंड्रा और मरवाही, गोरेला, पेंड्रा और मरवाही, ऊपर के इन 3 तहसील को अलग करके एक नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। देखिए, हमको केवल इस जिले, जो नया जिला बन रहा है, उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, इससे और भी प्रश्न पूछ सकता है। अगर ये मान लीजिए नया जिला बन गया तो आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बिलासपुर का एक तहसील नहीं है, ऑप्शन दे देगा तखतपुर, बिल्हा, मस्तूरी और एक दे देगा पेंड्रा, ठीक। तो ये जो बेसिक जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को पढ़ते चलिए, ठीक। देखिए, ये है आपका बिलासपुर, बिलासपुर जो कि खुद भी एक जिला भी है, एक तहसील भी है, बिलासपुर शहर एक तहसील भी है। बिलासपुर के चारों डायरेक्शन में, देखिए आप मैप के हिसाब से मत चलिएगा, मैप में इनका जो जो एरिया है, जो इनका जो तहसील का जो एरिया जो डिवाइड किया गया है, वो भले अलग हो सकता है, हमको इजी तरीके से आसान शब्दों में चीज़ों को पढ़ना भी है और दिमाग में बना के भी रखना है। तो जो डायरेक्शन के साथ जो बता रहा हूँ वो उसी डायरेक्शन में है, भले इनका विभाजन अलग अलग हो सकता है, तो जैसे बता रहा हूँ वैसे ही याद करना। बिलासपुर तहसील सेंटर में है और इसके चारों डायरेक्शन में आपके 4 तहसील, ठीक, चारों डायरेक्शन में 4 तहसील आपके, इसके बिलासपुर के राइट साइड में है आपके मस्तूरी, लेफ्ट साइड में है आपका तखतपुर, ऊपर तरफ है आपका कोटा, नीचे तरफ है आपका बिल्हा, ठीक। बिलासपुर में विभाजन अगर हो जाता है, उस नए जिले का अगर निर्माण हो जाता है, तो आपके बिलासपुर जिले के अंतर्गत कुल 5 तहसील बचेंगे। 5 तहसील कौन कौन से? एक बिलासपुर खुद, बिलासपुर के बाद आपका तखतपुर, मस्तूरी, कोटा और बिल्हा, कुल 5 तहसील बचेंगे। वर्तमान में अभी 8 तहसील मौजूद है, ठीक, ये 5 तहसील प्लस 3 तहसील, ये गोरेला, पेंड्रा और मरवाही, ठीक। अब देखिए, जो मैं बोल रहा था, किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करेगा? अगर यह एक नया जिला बन जाता है तो यह नया जिला किस पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श करेगा? तो देखिए, यहाँ पर यह जो सीमा है, ये जो मैं रेड कलर से यहाँ पे मार्क करके रखा है, यहाँ पर मौजूद है आपका मध्य प्रदेश। तो ये जो नया जिला बनेगा, यह नया जिला आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को यह स्पर्श करेगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भू आवेष्टित जिले, भू आवेष्टित जिले, अगर यह नया जिला बन जाता है तो प्रदेश में भू आवेष्टित जिलों की संख्या क्या होगी? भू आवेष्टित जिले क्या होते हैं? लैंड लॉक्ड एरिया। लैंड लॉक्ड एरिया मतलब ऐसे जिले जिसकी सीमाएं, ऐसे जिले जिसकी बाहरी सीमाएं छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती। ऐसे जिले जिनकी बाहरी सीमाएं छत्तीसगढ़ के किसी भी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती, वो आपके भू आवेष्टित जिले या लैंड लॉक्ड एरिया कहलाता है। अगर ये नया आपका जिला बन जाता है, गोरेला, पेंड्रा और मरवाही, तो ये आपका मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करेगा। अगर यह मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करेगा तो ये जो है आपका बिलासपुर, बिलासपुर आपका एक लैंड लॉक्ड एरिया बन जाएगा, भू आवेष्टित जिला बन जाएगा। अभी वर्तमान में बिलासपुर की जो बाहरी सीमा है वो मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रही है, लेकिन अगर यह गोरेला, पेंड्रा, मरवाही एक नया जिला बन जाता है तो यह नया जिला मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करेगा और जो आपका बिलासपुर है वो एक लैंड लॉक्ड एरिया या लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट या जिला बनकर रह जाएगा, भू आवेष्टित जिला बन जाएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 9 जिले ऐसे हैं जो कि भू आवेष्टित है। कौन कौन से? बस्तर संभाग में है एक दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा। दुर्ग संभाग में है आपके 3 जिले, दुर्ग संभाग के दुर्ग, बालोद और बेमेतरा, ठीक। रायपुर संभाग में है आपका रायपुर और आपका बलौदा बाजार। उसके बाद आपके बिलासपुर संभाग में है आपका कोरबा, जांजगीर चांपा। फिर सरगुजा संभाग में है आपका सरगुजा। तो टोटल आपके ये 9 भू आवेष्टित जिले हैं। अगर यह नया जिला बन जाता है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, तो ये जो बिलासपुर है ये बिलासपुर भी आपका भू आवेष्टित जिला बन जाएगा और भू आवेष्टित जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 10। इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
करना है। ठीक, नेक्स्ट है पड़ोसी जिले। ये जो अगर आपका ये नया जिला बनता है गोरेला पेंड्रा मरवाही, तो गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के किस अन्य जिलों की सीमा को स्पर्श करेगी? तो देखिए, ये गोरेला पेंड्रा मरवाही है, ये ऊपर वाला भाग तो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। ये जो साइड वाला एरिया है, यहां पर मौजूद है आपका मुंगेली, यहां मौजूद है आपका मुंगेली जिला। मुंगेली जिला इसकी नीचे की सीमा स्पर्श कर रही है बिलासपुर जिले को, साइड वाली सीमा स्पर्श करेगी आपके कोरबा को, और ये ऊपर वाली सीमा स्पर्श करेगी आपके कोरिया को। ठीक, तो कुल चार, देखिए ये जो इसके नीचे है जांजगीर चांपा है, जांजगीर चांपा आपके केवल बिलासपुर की सीमा को स्पर्श करेगा, वो नए जिला आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही की सीमा को स्पर्श नहीं करेगा। तो कौन कौन से चार जिले? एक है नीचे तरफ बिलासपुर, लेफ्ट साइड में है आपके मुंगेली, ऊपर तरफ है कोरिया, और राइट साइड में है आपके कोरबा। तो ये जो नया जिले का जो निर्माण होगा उसकी सीमा छत्तीसगढ़ के अन्य जिले बिलासपुर, मुंगेली, कोरिया, कोरबा की जिला की सीमा को स्पर्श करेगा। ठीक, अब देखिए ये जो आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही है, इसका थोड़ा हम एक बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब से इस जिले को या इस क्षेत्र को नए जिले बनाए जाने की मांग उठते रही है। पहली बात तो ये जो आपका बिलासपुर है, बिलासपुर काफ़ी पहले ही मतलब 1861 में ही बिलासपुर को एक जिले का दर्जा मिल गया था। 1861 के बाद आपको आपके जो बिलासपुर को है कई अलग अलग छोटे छोटे जिलों में इसे विभक्त किया गया। तो देखिए वर्ष है आपका 1985, वर्ष 1985 में राजेंद्र प्रसाद, वर्ष 1985 में एक कांग्रेस नेता थे राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने पहली बार इस गोरेला पेंड्रा क्षेत्र को, इस गोरेला पेंड्रा क्षेत्र को गोरेला पेंड्रा के नाम से एक नए जिले बनाए जाने की इन्होंने मांग उठाई थी। उन्होंने यह घोषणा किया था कि अगर वे इस क्षेत्र से जीतते हैं तो जीतने के बाद वे इस गोरेला पेंड्रा के जो आपको एक नए जिले के निर्माण की मांग आपके विधानसभा में उठाएंगे। कब की बात है? 1985, मतलब मध्य प्रदेश की विधानसभा में इसके इसे नए जिले बनाए जाने की मांग उठाएंगे। देखिए इसको नए जिले बनाए जाने की मांग क्यों उठाई जा रही है, अगर आप देखेंगे तो ये जो बिलासपुर है, बिलासपुर का ये है ये सेंटर पॉइंट, यहाँ पर मौजूद है आपका बिलासपुर जिला मुख्यालय, बिलासपुर जिला मुख्यालय, और ये जिला आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आपका शहरी एरिया है और ये जो इस तरफ का एरिया है, बिलासपुर में अगर जो वन क्षेत्र मौजूद है तो ये ऊपरी भाग में गोरेला पेंड्रा और मरवाही क्षेत्र में आपके सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र मौजूद है। ठीक, तो ये इस इतने दूर से, यहाँ इसका जो जिला मुख्यालय काफ़ी दूर है, तो मतलब इस क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उन्हें अपने किसी भी प्रशासनिक कार्य के लिए उन्हें इतनी दूर आना पड़ता है। ठीक, मतलब जो उनका जिला मुख्यालय है उनके क्षेत्र से काफ़ी दूर है, तो हर छोटे मोटे कार्य के लिए जिला मुख्यालय काफ़ी दूर होने के कारण उन्हें बार बार ट्रैवल करना पड़ता है। तो बस यही कारण है कि बिलासपुर से अलग होकर के गोरेला पेंड्रा को एक नया जिला बनाए जाने की मांग काफ़ी पहले से होते आ रही है। ठीक, तो वर्ष 1985 में आपके राजेंद्र प्रसाद जो एक कांग्रेस नेता थे उन्होंने सबसे पहली बार इसकी मांग की थी। ये राजेंद्र प्रसाद जीत करके आपके विधायक भी बने, विधायक बनने के साथ साथ वे ये विधानसभा के अध्यक्ष भी बने, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार की कोई मांग नहीं उठाई, इस समय आपका ये जिला नहीं बन पाया। वर्ष 1998 का समय आया जिसमें फिर से जिला बनाए जाने की मांग उठी। वर्ष 1998 में फिर से गोरेला पेंड्रा को एक अलग से जिला बनाए जाने की मांग की गई, लेकिन उस समय भी इनकी बात नहीं सुनी गई और नए जिले बनकर सामने आए आपके कोरबा और जांजगीर चांपा, कोरबा और जांजगीर चांपा आपके नए जिले बनकर सामने आए। फिर आता है वर्ष 2011, इस वर्ष 2011 के समय भी फिर से मांग उठाई गई, फिर से गोरेला पेंड्रा का जिला नहीं बन पाया और इस समय जिला बनकर सामने आया आपका मुंगेली। ठीक, अब है आपका वर्ष 2019, वर्ष 2019 जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 15 अगस्त 2019 को घोषणा कर दी कि जो प्रदेश का 28वां जिला बनेगा उसका नाम होगा आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही। गोरेला पेंड्रा के नाम से इस जिले को बनाए जाने की मांग काफ़ी समय से उठ रही थी, लेकिन इसका नाम रखा गया गोरेला पेंड्रा मरवाही। इसके पीछे भी कुछ राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण ये है कि ये जो मरवाही है ये एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गोरेला पेंड्रा जिसकी मांग उठ रही थी जिला बनाए जाने की, लेकिन इसके नामकरण के साथ समय इसमें गोरेला पेंड्रा के साथ मरवाही भी जोड़ा गया। इसका एक राजनीतिक कारण है, मरवाही जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर एक विधानसभा सीट है,
वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर मेन राजनीति का जो प्रमुख केंद्र है वो मौजूद है आपके मरवाही में। मरवाही में स्पेशली ये आपके अजीत जोगी जी की सीट है। अजीत जोगी जी हमेशा जब चुनाव लड़ते हैं तो वो अपने इसी सीट से लड़ते हैं, मरवाही सीट से। तो ये बस एक राजनीतिक कारण के, इस राजनीतिक कारण से ही इसका नाम रखा गया है आपका गोरिल्ला पेंड्रा, उसके साथ ऐड किया गया है आपका मरवाही। ठीक, देखिए अभी जो नया जिला बन रहा है यह अपने आप में एक अनोखा जिला बनेगा। ये जो नया जिला बन रहा है यह अपने आप में अपनी तरह का एक अनोखा जिला होगा। कैसे? यह प्रदेश का पहला विशेष अनुसूचित क्षेत्र वाला जिला होगा। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही प्रदेश का पहला विशेष अनुसूचित क्षेत्र वाला जिला होगा। विशेष अनुसूचित क्षेत्र वाला जिला क्यों, समझिएगा। आदिवासी विकास खंड, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 85 आदिवासी विकास खंड है। 85 आदिवासी विकास खंड, ये जो नया जिला बन रहा है इस नए जिले में विकास खंड कितने हैं? 3 विकास खंड। कौन कौन सा? गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही 3 तहसील, 3 विकास खंड और तीनों की तीनों आपके आदिवासी विकास खंड है। तो तीनों की तीनों आदिवासी विकास खंड होने के कारण यह प्रदेश का पहला विशेष अनुसूचित क्षेत्र वाला जिला बनेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कारण क्या है? आदिवासी विकास खंड है, इस कारण यह विशेष अनुसूचित क्षेत्र वाला जिला बन रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रदेश का एकमात्र विधानसभा क्षेत्र वाला जिला। ये जो नया जिला बन रहा है कौन सा? गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। इसमें जो मरवाही क्षेत्र है, मरवाही आपका एक विधानसभा क्षेत्र है। मतलब इस नए जिले में एकमात्र विधानसभा सीट होगी, एकमात्र विधानसभा क्षेत्र होगा। बाकी और भी जिले हैं आपके छत्तीसगढ़ में, जो बाकी 27 जिले हैं उसमें एक से अधिक विधानसभा सीट है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीट है, जिलों की संख्या कितनी है? 27। उन 27 में सभी में आपके एक से अधिक विधानसभा सीट है। लेकिन ये जो नया जिला बनेगा इस नए जिले में एकमात्र विधानसभा सीट होगी। तो ये प्रदेश का एकमात्र विधानसभा क्षेत्र वाला जिला या एकमात्र विधानसभा सीट वाला जिला होगा, जो कि इसका विधानसभा सीट है वो है आपका मरवाही। और ये भी याद रखिएगा ये जो मरवाही विधानसभा सीट है ये आपके ST कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है ये मरवाही। ठीक, अब समझिएगा ये जो मरवाही है अभी विभाजन से पहले या अभी जो इसका विभाजन होगा तो अभी ये वर्तमान में आपके जो मरवाही है ये किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आ रहा है आपके बिलासपुर जिले के अंतर्गत। ठीक, बिलासपुर जो कि खुद एक लोकसभा क्षेत्र है। देखिए बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर के एक लोकसभा क्षेत्र बनता है, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं। ठीक, तो अभी वर्तमान में जो आपका मरवाही है, मरवाही तहसील किस जिले के अंतर्गत आ रहा है? आपके बिलासपुर जिले के अंतर्गत। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये जो मरवाही विधानसभा क्षेत्र है, मरवाही तहसील जो है वो आपका बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता जरूर है, लेकिन ये जो इसका जो विधानसभा सीट है, मरवाही का जो विधानसभा सीट है वो आपके कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, ध्यान देना इस चीज को, मरवाही विधानसभा क्षेत्र आपके कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, यकीन नहीं होगा नेट में जाके सर्च कर लेना। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ उस लोकसभा चुनाव में ये जो मरवाही आपका विधानसभा क्षेत्र है ये आपके कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत था। ठीक, अब देखिए नगर पंचायत, ये चीज मेरे को यहां बताना चाहिए था लेकिन इसको भूल गया था, इसको थोड़ा देखिएगा। तहसील है 3, विकास खंड है 3, नगर पंचायत की संख्या है 2। नगर पंचायत, यहाँ पे नगर पंचायत कितने हैं? 2। दो नगर पंचायत गोरिल्ला और पेंड्रा, मरवाही शामिल नहीं है, गोरिल्ला और पेंड्रा दो नगर पंचायत इस नए जिले के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब देखिए थोड़ा इसका हम भौगोलिक परिचय देख लेते हैं। जनजाति यहाँ पे जो विशेष रूप से यहाँ पे जो जनजाति निवास करती है, विशेष रूप से वो निवास करती है आपकी बैगा जनजाति। इस गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही वाले क्षेत्र में विशेष रूप से जो जनजाति निवास करती है वो है आपकी बैगा जनजाति। और ये बैगा जनजाति अगर हम बात करें तो ये स्पेशली इस गोरिल्ला क्षेत्र में निवास करती है। ठीक, ये जो बैगा जनजाति है इसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। ठीक, राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र, देखिए जो पूरे देश भर में से अखिल भारतीय स्तर पर हर एक राज्य में कुछ विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति। देखिए छत्तीसगढ़ में जनजाति बहुत है, लगभग आपके 42-43 के आसपास जनजातियां हैं, लेकिन जो विशेष रूप से जो पिछड़ी हुई जनजाति है
वो केवल 5 हैं। कौन कौन से? अभुजमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और कोरवा। अभुजमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और कोरवा, ये 5 विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति है। तो जो 5 विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति है, ये 5ों के 5ों को आपका राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। दत्तक पुत्र का मतलब होता हुआ गोद लिया हुआ संतान, जो गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक, दत्तक पुत्र मतलब इन 5 विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों को राष्ट्रपति ने गोद लिया हुआ है, ये समझ के चलिए। ठीक है, तो ये जो बैगा जनजाति है, इसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। बहुत सारे आपकी योजनाएं हैं जो पर्टिकुलर इन विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों को टारगेट करके राष्ट्रपति के द्वारा सीधे तौर पर इसे नियंत्रित किया जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका पर्वत। यहां पर एक आपकी चोटी मौजूद है जिसका नाम है आपका पलमागढ़ चोटी या पलमा चोटी। ये मौजूद है आपके इस गोरेला तहसील के अंतर्गत। पलमागढ़ चोटी या पलमा चोटी, जिसकी ऊंचाई है आपका 1080 मीटर या 1080 मीटर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नदी, यहां से आपके अरपा नदी का उद्गम होता है, इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना। अरपा नदी का उद्गम इस एरिया में, अरपा नदी का उद्गम होता है आपका खोंडरी खोंगसरा पेंड्रा पहाड़ी, पेंड्रा वाला एरिया ये है, पेंड्रा वाला एरिया से आपका खोंडरी खोंगसरा पेंड्रा पहाड़ी से आपका अरपा नदी का उद्गम होता है। अरपा नदी जो कि इस नए जिले से अब इसका उद्गम स्थल माना जाएगा, जो बहते हुए बिलासपुर के मध्य से होते हुए बहती है। यानी इस अरपा नदी के तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है? आपका बिलासपुर, इंपॉर्टेंट है याद रखना। अरपा नदी का उद्गम खोंडरी खोंगसरा पेंड्रा की पहाड़ी, जो कि अब इस नए जिले के अंतर्गत आ गया है। नेक्स्ट है आपका मरवाही तहसील। ये इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वन्य जीव के लिए। पहला ये कि ये जो है यहाँ पे सफ़ेद भालू, ये जो मरवाही क्षेत्र है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में भालू पाए जाते हैं। स्पेशली सफ़ेद भालू को देखे जाने की यहाँ बात कही गई है। सफ़ेद भालू जो कि आपका अधिकतर ये आपके ठंडे प्रदेशों में या ठंडे जैसे हिमालय बर्फ वाले एरिया में ये भालू आपके पाए जाते हैं, लेकिन ये भालू आपके इस मरवाही क्षेत्र में देखे जाने की बात कही गई है। तो सफ़ेद भालू छत्तीसगढ़ में कहाँ देखा गया है? मरवाही में। दूसरा है जामवंत परियोजना, ये भी इस जामवंत परियोजना के अंतर्गत आपका मरवाही शामिल है। यह जामवंत परियोजना आपके भालू मानव द्वंद यानी भालू जो आपके रिहायशी एरिया में, मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं उस एरिया में घुस जाते हैं, जिसके कारण दोनों के मध्य एक मानव और आपके भालू के मध्य द्वंद होता है, जिससे जान माल की काफ़ी हानि होती है। तो इस भालू मानव द्वंद को रोकने के लिए यह जामवंत परियोजना प्रारंभ किया गया है। जामवंत परियोजना के अंतर्गत इस नए जिले का मरवाही, कोरबा का कटघोरा और कोरिया का मनेंद्रगढ़, ये 3 आपके जगह को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक, मरवाही भी शामिल है इस जामवंत परियोजना में। अब देखिए नेक्स्ट है आपका पुरातात्विक स्थल, इसके अंतर्गत है आपका धनपुर, जिसे हम पहले बिलासपुर के अंतर्गत पढ़ते थे। ये जो धनपुर है, ये धनपुर मौजूद है आपके मरवाही तहसील में मौजूद है आपका धनपुर। इस धनपुर में, ये जो धनपुर है ये फेमस क्यों है? उत्तर पाषाणकालीन स्थल के लिए। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, बाद में इसे और एक भाग में डिवाइड किया गया था, नव पाषाण काल। तो उत्तर पाषाणकालीन स्थल धनपुर किस जिले में है पूछा जाएगा, तो वो बनेगा आपका नया जिला, कौन सा? गोरेला पेंड्रा मरवाही। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी घोषणा हुई है, अभी इसका गठन हुआ नहीं है, जब गठन होगा तो उसको हम करंट अफेयर में कवर कर लेंगे। ठीक, तो ये जो धनपुर है, धनपुर भी इस मरवाही तहसील के अंतर्गत आता है। तो ये जो धनपुर, जो उत्तर पाषाणकालीन स्थल है, नए जिले बनने के बाद यह भी इस नए जिले में शामिल हो जाएगा। इस धनपुर उत्तर पाषाणकालीन स्थल में आपके मानव आकृति और औजार के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ मित्र जो कि प्रदेश का
छत्तीसगढ़ मित्र प्रदेश का पहला समाचार पत्र है, छत्तीसगढ़ मित्र प्रदेश का पहला समाचार पत्र है जो प्रकाशित हुआ था वर्ष 1900 में, सन 1900 में यह प्रकाशित हुआ था, जो कि प्रदेश का पहला समाचार पत्र है। यह प्रदेश का पहला समाचार पत्र है जो कि एक मासिक समाचार पत्र था, मतलब मंथली बेसिस पर यह प्रकाशित होता था, पब्लिश होता था। ठीक, प्रदेश का पहला समाचार पत्र वर्ष 1900 में यह प्रकाशित होता था। इसके प्रकाशक थे आपका माधवराव सप्रे इस पहली समाचार पत्र के प्रकाशक थे और यह प्रकाशित होता था आपके पेंड्रा रोड से। पेंड्रा रोड देखिए, ये जो तहसील है गोरेला, पेंड्रा और मरवाही, तो ये जो गोरेला जो तहसील है इसका पूरा नाम है पेंड्रा रोड गोरेला। इस तहसील का पूरा नाम है पेंड्रा रोड गोरेला। तो ये जो पेंड्रा रोड है इस पेंड्रा रोड से ही प्रकाशित होता था आपका यह छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है आपका औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आ रहा है आपका अंजनी जो कि बिलासपुर के अंतर्गत आता था। विभाजन के पश्चात यह चला जाएगा आपका पेंड्रा रोड, यहाँ पे पेंड्रा रोड गोरेला में, पेंड्रा रोड गोरेला के अंतर्गत यह भी वर्तमान में मौजूद है। तो ये जो अंजनी यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है, स्पेशली यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो है आपका रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया। रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया ये आपके अविभाजित मध्य प्रदेश में के समय से यह इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर संचालित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर है, पेंड्रा रोड या गोरेला, पेंड्रा रोड गोरेला में आपका रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है। इस अंजनी के अंतर्गत ही शामिल है आपका रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया, रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया। देखिए यहां पर जो आपका अंजनी है, अंजनी अभी वर्तमान में बिलासपुर में है, विभाजन के पश्चात यह अंजनी चले जाएगा आपके पेंड्रा रोड गोरेला, मतलब यहां पेंड्रा रोड गोरेला में यह चले जाएगा। तो इस अंजनी जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है इसी के अंतर्गत संचालित है आपका रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया। रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से वो इस क्षेत्र में संचालित है। तो याद रखिएगा अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया किस क्षेत्र में है, पेंड्रा रोड गोरेला तहसील के अंतर्गत आता है, जहां पर मौजूद है आपका रानी दुर्गावती इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक, नेक्स्ट है आपका पशु प्रजनन केंद्र। पशु प्रजनन केंद्र मौजूद है आपका पकरिया पेंड्रा में। यहां पर देखिए प्रदेश में कुल 3 पशु प्रजनन केंद्र है, प्रदेश में वर्तमान में कुल 3 पशु प्रजनन केंद्र है। एक है आपका पकरिया जो कि आपके मौजूद है इस पेंड्रा में, बाकी 2 का नाम आप सर्च कीजिएगा, सर्च करके नीचे कमेंट बॉक्स में तहसील और जिला के साथ कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक पशु प्रजनन केंद्र है, प्रदेश में कुल 3 पशु प्रजनन केंद्र है, एक है आपका पकरिया जो कि आपके इस पेंड्रा तहसील के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका पर्यटन स्थल या धार्मिक स्थल बोलिए, पर्यटन स्थल। यहाँ पर जो पर्यटन स्थल मौजूद है उसका नाम है आपका जलेश्वर महादेव। ये मौजूद है आपके पेंड्रा में मौजूद है आपका जलेश्वर महादेव मंदिर जो कि आपके 12वीं सदी का कलचुरीकालीन मंदिर है। यह जलेश्वर महादेव मंदिर आपके 12वीं सदी का कलचुरीकालीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण आपके कलचुरी नरेश कर्णदेव ने कराया था। आप में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि कलचुरीकालीन शासकों में इनका नाम नहीं मिलता। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि कलचुरी के बहुत से शासकों का नाम आपको किसी भी सोर्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि कलचुरी का जो आपका एक समय आया था अंधकार युग, उस अंधकार युग के समय बीच के जो आपके कलचुरी जो शासक थे उसके नाम का उल्लेख नहीं मिलता। देखिए ऐसा एक, क्योंकि जो भी आपके कलचुरी शासकों के जो भी प्रमाण हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपके अभिलेखों से, आपके ताम्रपत्र से या फिर उनके द्वारा बनाए गए स्थापत्य से आपको उनकी जानकारी मिलती है। लेकिन कलचुरीकालीन शासकों का एक बीच में अंधकार युग आया, मतलब उस समय भी जरूर शासक थे लेकिन उनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी हमें किसी भी स्रोतों के माध्यम से नहीं मिलती या किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से हमें उन शासकों की या उन नरेशों की हमको जानकारी नहीं मिलती। तो ये अंधकार युग के समय का ही हो सकता है, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन जो मुझे प्रॉपर एक सोर्स मिला है मुझे ये पता चला है कि ये जो पर्यटन स्थल है या ये धार्मिक स्थल है जलेश्वर महादेव मंदिर, इसका निर्माण आपके 12वीं सदी के आसपास किया गया था और उसका निर्माण किया था आपके कलचुरी नरेश कर्णदेव ने। कलचुरीकालीन शासकों में जो आपके कलचुरी शासक हुआ करते थे वे अपने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने के समय, आप सभी को मालूम होगा 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वान
वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम होता है आपका संन्यास आश्रम। तो जब आपके कलचुरी नरेश आपके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करते थे तो अपने वानप्रस्थ आश्रम की अवधि वो इसी जलेश्वर महादेव मंदिर में आकर के अपना समय बिताते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जलेश्वर महादेव मंदिर मौजूद है आपके पेंड्रा में, जो कि 12वीं सदी के कलचुरीकालीन स्थापत्य कला का एक उदाहरण है, या आपके मंदिर निर्माण का एक उदाहरण है जिसका निर्माण किया था आपके कलचुरी नरेश कर्ण देव ने। ठीक, देखिए नेक्स्ट है इसका प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन की यदि हम बात करें तो ये जो बिलासपुर के ऊपर का एरिया, ये जो है नया जो जिला बन रहा है गोरेला पेंडा मरवाही, ये आपके छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे जो चट्टान मिलती है या यहाँ इस क्षेत्र के अंतर्गत जो चट्टान है वो है आपके कड़प्पा, कड़प्पा जिसमें सर्वाधिक मात्रा में मिलता है चूना। ठीक, तो ये जो नया जिला है ये आपके छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो चट्टान मौजूद है वो है कड़प्पा, जो कि स्पेशली इस कड़प्पा चट्टान में आपके चूना पाया जाता है। नेक्स्ट यदि हम इसका देखें धरातलीय अगर संरचना देखें तो यहां पर मौजूद है आपका पेंड्रा लोरमी का पठार, लोरमी जो कि आपके मुंगेली के अंतर्गत आता है, तो यहां मौजूद है आपका पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक, तो पेंड्रा लोरमी का पठार जो कि आपका मुंगेली और इस नए जिले गोरेला पेंड्रा मरवाही के दो, इन दो जिलों में इसका विस्तार होगा। ठीक, तो देखिए लगभग सारा जो जो मेरे को इम्पॉर्टेंट लगा सभी चीज़ों को मैंने कवर करा दिया है। जितनी चीज़ें मुझे इम्पॉर्टेंट लगी उन सारे चीज़ों को मैंने कलेक्ट करके कवर करा दिया है। अब जैसे जैसे नई नई जानकारी इससे हमें मिलती जाएगी उसको हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वाले टॉपिक में कवर करते जाएंगे, लेकिन अभी जो जो आपके बिलासपुर से अलग होकर के जो जो एरिया आपके एक नए जिले के निर्माण के लिए गया है और उस क्षेत्र के अंतर्गत जो जो फेमस चीज़ें हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो जनजाति है, जो आपके पर्यटन स्थल है, वो सारे चीज़ों को हमने आज कवर कर लिया है। इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।